हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंजलि और आज हम पढ़ेंगे द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि कैसे फ्रांस में स्लेव सिस्टम स्टार्ट होती है, स्लेव के साथ कैसे ट्रीट किया जाता था, स्लेव ट्रेड क्या था, स्लेवरी कब अबॉलिश होती है। हमने अपने पिछली क्लास में पढ़ा था कि रिवॉल्यूशन के टाइम वीमन के क्या सिचुएशन रहता है, उनका क्या रोल रहता है रिवॉल्यूशन में, उनकी क्या डिमांड्स रहते हैं, क्या क्या चेंजमेंट लाए जाते हैं गवर्नमेंट द्वारा उनके लिए। तो चलिए हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैकोबिन गवर्नमेंट अबॉलिशेस स्लेवरी इन द फ्रेंच कॉलोनीज। स्लेवरी क्या है? स्लेवरी मतलब गुलामी। तो क्या होता है ना कि जब जैकोबिन गवर्नमेंट जो स्लेवरी है, गुलामी की प्रथा जो है, वो पहले से चली आ रही थी। तो जब जैकोबिन गवर्नमेंट सत्ता में आती है, पावर में आती है, तो उन्होंने पावर में आने के बाद क्या किया था कि इस गुलामी प्रथा को, स्लेवरी को ख़त्म कर दिया था। अबॉलिशेस स्लेवरी इन द फ्रेंच कॉलोनीज। फ्रेंच कॉलोनीज क्या है ये समझिए। होता क्या मतलब कि समझ लीजिए ना, ऐसे जगह, दूसरे देशों के ऐसे जगह या शहर जहाँ पर फ्रेंच का मतलब फ्रांस का कंट्रोल हो। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई राजा है, अब वो दिल्ली में राज कर रहे हैं, तो वे साउथ के मतलब कि दिल्ली में राज कर रहे हैं, तो वे जाकर साउथ के एरिया को भी कैप्चर करते थे, वहाँ युद्ध करके उस एरिया को जीत जाते थे, तो वहाँ भी उनका राज्य हो जाता था कि वहाँ भी राजा ही रूल कर रहा है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि दिल्ली के राजा के लिए जो साउथ का जो पोर्शन हो गया, वे उनके लिए कॉलोनी हो गई। तो सिर्फ वैसा ही था कॉलोनी, फ्रेंच कॉलोनीज भी वैसे ही कॉलोनी जहाँ पर मतलब जहाँ पर फ्रांस का रूल है, दूसरे देशों के ऐसे जगह या शहर जहाँ पर फ्रांस का रूल होता था, कह सकते हैं फ्रांस गवर्नमेंट के कंट्रोल हुआ करती थी। ठीक है, तो इस कॉलोनीज में जो है स्लेवरी प्रथा खत्म होती है। कब खत्म होती है? जैकोबिन गवर्नमेंट खत्म करती है। अब देखिए क्या था कि वहाँ के जो फ्रांस के जितने भी प्रॉस्पेरस व्यक्ति थे ना, वेल्दियर पीपल्स थे, जो अमीर व्यक्ति थे, उनका क्या होता था ना कि कल्टीवेशन लैंड हुआ करता था, जमीन हुआ करता था इन फ्रांस की कॉलोनीज में। तो अब क्या है कि उन्हें इस ज़मीन पर काम करने के लिए कुछ स्लेव्स की ज़रूरत पड़ती थी, लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अब ये रहते फ्रांस में, अब ये मान लीजिए दूसरे दूसरे शहर में है, दूसरे राज्य, दूसरे देश में है, तो इनको यहाँ से उस वहाँ का मैनेज ये नहीं कर सकते हैं, मैनेज करने में उन्हें दिक्कत होगी, और ये खुद जाकर काम भी नहीं कर सकते। हो सकता है क्लाइमेटिक सिचुएशन अलग हो, बहुत सारे रीजंस थे जिसके कारण मतलब ये था ना कि वे लोग वहाँ काम नहीं कर सकते, क्योंकि इन्हें अपना यहाँ भी रूल कर, यहाँ भी देखना है प्लस वहाँ भी देखना है। तो वे लोग क्या करते थे ना कि स्लेव को खरीदते थे, गुलाम खरीद लेते थे, और गुलाम को अपने इस लैंड पर, ज़मीन पर काम करने के लिए बोलते थे, कहते थे कि इस ज़मीन पर खेती बाड़ी किया करते थे। कॉलोनीज ऑफ कैरेबियन, मार्टिनिक, ग्वाडलू एंड सैन डोमिंगो, सप्लायर्स ऑफ टबैको, इंडिगो, शुगर एंड कॉफ़ी। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि जो ये स्लेव जो रहते हैं, वे फ्रेंच कॉलोनीज में जाकर वहाँ पर जो भी प्रॉस्पेरस लोगों की ज़मीन हुआ करते थे, वहाँ खेती बाड़ी करते थे। तो कुछ चीज़ का तो प्रोडक्शन होगा ही, तो प्रोडक्शन क्या चीज़ का होता था? टोबैको, इंडिगो, शुगर और कॉफ़ी का, इन सभी कॉमोडिटी का जो है ना प्रोडक्शन हुआ करता था। या हम कह सकते हैं कि जो भी मेरे फ्रेंच कॉलोनीज जो थी वो सप्लायर थी किस चीज़ की? तो टोबैको की, इंडिगो की, शुगर की और कॉफ़ी की सप्लायर हुआ करती थी। अब देखिए क्या था कि उस जगह पर ना, जो भी फ्रेंच कॉलोनीज है, वो जगह का क्लाइमेट जो रहता था इन सभी गुड्स के लिए, इन सभी प्रोडक्ट के लिए, प्रोडक्शन के लिए ना बहुत ही ज़्यादा सूटेबल है, इसलिए इन सभी प्रोडक्ट का वहाँ पर मतलब इन सभी कॉमोडिटी का प्रोडक्शन हुआ जाता था, किया जाता था। स्लेव ट्रेड स्टार्टेड इन 17th century। अभी जो गुलामी थी, स्लेव ट्रेड कब स्टार्ट हुआ था? तो 17वीं सदी में स्टार्ट हुआ था, 17th century में स्टार्ट हुआ था। ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका। अब देखिए उस समय क्या हुआ करता था कि जो स्लेव ट्रेड सिस्टम था ना, वो ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड सिस्टम था। क्यों था? आइए देखते हैं स्लेव ट्रेड सिस्टम क्या था, ये भी पढ़ते हैं। जो समझ लीजिए, जो फ्रांस है, फ्रांस के लोगों का ज़मीन हुआ करता था फ्रांस कॉलोनीज में, तो उन्हें स्लेव की ज़रूरत पड़ती थी। तो वे लोग क्या करते थे ना कि जो भी फ्रांस के जो मर्चेंट्स हो गए, वही लोग क्या करते थे, अफ्रीका से स्लेव को बुलाते थे, यानी कि अफ्रीका से ना गुलाम को खरीद कर लेके आते थे
और फिर वे अमेरिका जाकर जो भी प्लांटेशन लैंड के जो ओनर रहते हैं उन्हें उस गुलाम को बेच देते हैं। और फिर वो बेचने के बाद वे गुलाम वहाँ उस जमीन पर काम किया करते थे। तो ये देखिए पोर्ट्स ऑफ नैंटेज और बॉर्डवर्क्स, जैसे फ्रांस में अब उस समय क्या था कि मोस्टली सीवेज ही स्टार्ट हुआ था कि लोग जो है समुद्र के रास्ते दूसरे दूसरे जगह जाया करते थे। तो वे लोगों ने क्या किया फ्रांस के जो जैसे कि पोर्ट्स ऑफ नैंटेज और बॉर्डवर्क्स हो गए, ये जो ऐसी जगह हो गई जैसे बंदरगाह जहाँ पर अब जाओगे आप सिर्फ आपको वाटर में जाना पानी के थ्रू जाना तो आपको शिप और जहाज की जरूरत पड़ेगी। तो जो भी वहाँ के बंदरगाह जो थे तो क्या होता था ना कि लोग यहाँ से मतलब कि अफ्रीका से गुलाम को खरीदते थे और फिर अमेरिका में ले जाकर बेचते थे। तो ये जो खरीद बेच का सिस्टम है ना एक ट्रायंगल को फॉर्म कर रहा है अफ्रीका अमेरिका और फ्रांस के बीच, इन तीनों के बीच जो है एक ट्रायंगल का फॉर्म कर रहा है। इसलिए इस ट्रेड इस स्लेव ट्रेड को ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड कहा गया था। स्लेव ट्रेड क्या था कि फ्रांस के जो भी मेंबर्स जो भी मर्चेंट्स हुआ करते थे वे क्या करते थे कि अफ्रीका से गुलाम को खरीद के लेते लेकर आते थे और अमेरिका में जाकर बेचा करते थे। तो ये था स्लेव ट्रेड। और इसे ट्रायंगुलर क्यों कहा गया है क्योंकि ये एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, फ्रांस अमेरिका और अफ्रीका के बीच में एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर रहा है इसीलिए ट्रायंगुलर कहा गया है इसे। ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड सिस्टम, फ्रेंच मर्चेंट्स यूज टू बॉट स्लेव फ्रॉम अफ्रीका देन दिस स्लेव्स वर सेंट टू अमेरिका एंड देयर दे वर सोल्ड टू प्लांटेशन ओनर्स। दिस फॉर्म द ट्राइंगल अमंग यूरोप अफ्रीका एंड अमेरिका। दिस सिस्टम ऑफ परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ स्लेव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ स्लेव ट्रेड। जैसा कि हम लोगों ने भी पढ़ा कि फ्रांस के जो मर्चेंट हुआ करते थे वे अफ्रीका से स्लेव को खरीद के लेके आते थे फिर अमेरिका में जाकर वहाँ के प्लांटेशन ओनर्स को बेचते थे और जिसके कारण एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है यूरोप अमेरिका और अफ्रीका के बीच में। इसलिए ट्रेड सिस्टम को स्लेव ट्रेड सिस्टम को ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड सिस्टम कहा गया था। स्लेव ट्रेड सिस्टम क्या था तो खरीद बेच यानी कि गुलामों की खरीद बेच का सिस्टम था। आप एक जगह से गुलाम को खरीद रहे हैं और उन्हें दूसरी जगह पर काम करने के लिए भेज रहे हैं। तो ये जो खरीदने और बेचने का जो सिस्टम हुआ करता था स्लेव का उसे ही स्लेव ट्रेड कहा गया था। डिमांड फॉर शुगर कॉफी एंड इंडिगो राइजेस। अब देखिए ये जो कॉलोनीज जो थी जैसा हम लोग ने पढ़ा कि कॉलोनीज जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी फ्रेंच कॉलोनीज फ्रांस के लिए, क्यों क्योंकि वे सप्लायर थी किस प्रोडक्ट की तो शुगर कॉफ़ी इंडिगो इन सब की सप्लायर थी। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है ना कि सप्लाई कॉलोनीज जो है वो सप्लाई कर दे रही है आपको इस प्रोडक्ट की, तो इस ये जो है हमारे पास ये प्रोडक्ट कॉमोडिटी जो है हमारे पास आ जा रहा है। तो इसके कारण क्या होता है ना इसका डिमांड बढ़ जाता है। डिमांड बढ़ने के कारण क्या होता है कि हमारा इकोनॉमी मतलब डिमांड बढ़ गया तो हमारे इकोनॉमी में भी ग्रोथ आती है कि अब देखिए लोग खरीदेंगे डिमांड बढ़ते यानी कि क्या तब बढ़ता है ना जब लोग ज़्यादा खरीदते हैं ज़्यादा खरीदेंगे ज़्यादा डिमांड होगी इस प्रोडक्ट की तो जो इकोनॉमी में है पैसा आएगा। तो जिससे के कारण क्या होता है ना कि इकोनॉमी जो है वहाँ की अच्छी हो जाती है कह सकते हैं स्ट्रांग हो जाती है चाहे बिल्डअप होती है ग्रोथ होती है इकोनॉमी में इकोनॉमिक बिकम प्रॉस्पेरस। दिस मेड पोर्ट सिटीज सच एज बॉर्डवर्क्स एंड नैंटेज बिकम इकोनॉमिक प्रॉस्पेरस और स्ट्रांग। वही पोर्ट सिटी जैसे कि बंदरगाह वैसे शहर जहाँ पे बंदरगाह थे, क्यों क्योंकि वहाँ इजीली होता था कि आप हाँ वहाँ से सामान लाएं और बंदरगाह पे उतारे फिर मार्केट में आप बेच दो तो थोड़ा इजी हो जाता था। इसलिए तो ऐसे ऐसे जगह पर जहाँ पे बंदरगाह थे तो वहाँ पर देखा गया कि जो ये प्रोडक्ट मतलब कि स्लेवरी के कारण प्रोडक्शन के कारण जो होता है वहाँ की डिमांड्स बढ़ जाती हैं गुड्स की और गुड्स की डिमांड्स बढ़ने के कारण वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन जो है अच्छी हो जाती है। 18th सेंचुरी क्रिटिसिज्म ऑफ स्लेवरी इन फ्रांस। अब देखिए स्लेव ट्रेड कब स्टार्ट होता है 17th सेंचुरी में स्टार्ट होता है। अब आ जाइए 18वीं सदी में 18th सेंचुरी में। अब इस समय फ्रांस में क्या होता है ना कि यहाँ के जो लोग रहते हैं फ्रांस के जो नागरिक रहते हैं वे इस स्लेवरी सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं विद्रोह करते हैं। वे कहते हैं कि नहीं ये सिस्टम ये सही नहीं है इससे एक व्यक्ति की मतलब क्या आप कह सकते हैं एक व्यक्ति को उतना मान सम्मान नहीं दे रहा था उसका अपना कोई वजूद नहीं रहेगा अपना कोई आइडेंटिटी नहीं रहेगा। इसीलिए वहाँ के लोगों ने ना इस स्लेवरी सिस्टम को क्रिटिसाइज किया विद्रोह किया। नेशनल असेंबली हेल्ड डिबेट ऑन स्लेवरी डिड नॉट पास एनी लॉ और डिड नॉट केम टू एट कंक्लूजन। देखिए क्या होता है
जब नेशनल असेंबली फॉर्म होती है, राजा के टाइम भी ये स्लेव सिस्टम था। अब राजा जब के बाद क्या होता है, जब नेशनल असेंबली फॉर्म होती है तब ये नेशनल असेंबली जो स्लेवरी के टॉपिक पर डिस्कस तो करती थी, सदन में कह सकते इस टॉपिक पर, इस बात पर चर्चा हुआ करती थी, मगर इस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया। इसके लिए कोई कानून, एक लॉ की कोई लॉ नहीं लाया गया कि मतलब हाँ ये क्या चलना चाहिए, कि स्लेवरी सही है या गलत, इसको फॉलो करना चाहिए या नहीं। डिड नॉट कम टू एट कंक्लूजन, नेशनल असेंबली जो है कोई कंक्लूजन पर नहीं आ पाई, कोई निष्कर्ष पर नहीं आ पाती है। देखिए रीज़न भी है क्यों नहीं आ पाती है, क्योंकि देखिए नेशनल असेंबली में जो मेंबर्स थे वे कैसे लोग के मेंबर्स थे, तो यानी कि थर्ड क्लास के मेंबर्स रहते हैं, मगर थर्ड क्लास के वैसे मेंबर्स रहते जो थोड़ा कह सकते प्रॉस्पेरस थे और वेल्दियर पर्सन थे, जो थोड़े क्या बोलते हैं, जो थोड़े अमीर व्यक्ति थे। थर्ड क्लास के वैसे लोग आते थे जो अमीर व्यक्ति थे। अब ये अमीर हैं तो इनका ऑफकोर्स जो है कॉलोनीज, फ्रेंच कॉलोनीज जो है वहाँ इनकी ज़मीन हुआ करती थी, तो इन्हें भी चाहिए जो इन्हें भी अपने क्या बोलते हैं इन्हें भी इन्हें भी अपने लैंड पर, अपनी ज़मीन पर काम करने के लिए स्लेव की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए ना वे लोग निष्कर्ष पर नहीं आ पाते हैं कि मतलब ये स्लेवरी को, क्योंकि अगर मान लीजिए वे स्लेवरी ख़त्म कर देते हैं तो फिर ये कल्टीवेशन कौन करेगा, कल्टीवेशन नहीं होगा जिसके कारण मेरा फूड का मतलब मेरे कॉमोडिटी का प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होने के कारण डिमांड नहीं आएगी, तो फिर इकोनॉमिक के लिए भी ये जो इकोनॉमी मेरा बढ़ा था इकोनॉमिक को भी अफेक्ट करेगा। इसलिए वे लोग कोई निष्कर्ष पर नहीं आ पाते। क्यों नहीं आ पाते हैं, क्योंकि जो नेशनल असेंबली में मोस्टली जो रहते हैं वेल्दियर पीपल रहते हैं, तो वे लोग नहीं चाहते थे ऐसा कि स्लेवरी ख़त्म हो, क्योंकि ये आफ्टर ऑल कहीं ना कहीं स्लेवरी उन्हीं प्रोवाइड मतलब उनके लिए ही फ़ायदेमंद था, इसका एडवांटेज जो है उन्हीं को हो रहा था। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, नेशनल असेंबली जो हम लोगों ने पढ़ा था कि नेशनल असेंबली बंद हो जाती है, उसके बाद जैकोबिन गवर्नमेंट सत्ता में आ जाते हैं, पावर में आ जाते हैं। जैकोबिन गवर्नमेंट कन्वेंशन इन 1794 फॉर अबॉलिश स्लेवरी। अब देखिए जब जैकोबिन गवर्नमेंट सत्ता में आती है, पावर में आती है, तो वे लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, या कह सकते हैं कि उन्होंने अपना एक नया असेंबली बनाया था जिसका नाम था कन्वेंशन। तो इस कन्वेंशन में 1794 में स्लेवरी को हटा दिया था। क्यों हटाते हैं, कि देखिए जैकोबिन गवर्नमेंट जब थे तो उस समय कौन लोग ज़्यादा पावर में थे, तो वैसे लोग थे ना जो मतलब वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो सोसाइटी के गरीब लोग थे, गरीब व्यक्ति, लोएस्ट स्टाटा के पीपल जाते थे जैकोबिन गवर्नमेंट के, वो लोग मेंबर्स हुआ करते थे। तब उन्होंने देखा कि नहीं मतलब हमारे साथ हमें क्या लोगों को क्या किया जा रहा है, खरीद के दूसरी जगह काम करने के लिए भेजा जा रहा है, ये उनके लिए अच्छा नहीं है, उनके साथ अच्छा ट्रीट नहीं किया जा रहा है, ये उनके मतलब कह सकते हैं कि उनके मान सम्मान के लिए अच्छा नहीं है, उनका इससे अपना कोई आइडेंटिटी नहीं रहेगा, जिसके कारण जो है जैकोबिन गवर्नमेंट जो है वो स्लेवरी को अबॉलिश कर देती है, ख़त्म कर देती है। आफ्टर 10 ईयर्स नेपोलियन री इंट्रोड्यूस स्लेवरी। अब देखिए क्या होता है, जैसा हम लोगों ने पढ़ा था कि जैकोबिन गवर्नमेंट फॉल हो जाती है, उसके बाद जब डायरेक्टरी बनती है, डायरेक्टरी में फिर जो है नेपोलियन आते हैं तो फिर वे फ्रांस में डिक्टेटरशिप को स्टार्ट करते हैं। तो लगभग 10 साल के बाद जो है ना नेपोलियन आते हैं और नेपोलियन फिर से इस स्लेवरी को रीइंट्रोड्यूस कर देते हैं। अब ये रीइंट्रोड्यूस क्यों करते हैं, वो देखते हैं ना कि अगर हमारे देश को मतलब ये ऐसा देखते हैं कि किसी भी देश को अगर ग्रो करना मतलब मतलब कि इसको मतलब इसमें डेवलपमेंट करनी है, इसको इम्प्रूव करना है, तो उन्होंने देखा कि हमें मतलब वैसे लोगों के साथ मिलकर किसी भी देश की तरक्की की जा सकती है, विकास किया जा सकता है, जो लोग प्रॉस्पेरस हो, जो वेल्दियर पीपल हो। तो उन्होंने देखा कि वेल्दियर पीपल को की मदद से हम अपने देश का मतलब कि देश का विकास हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया, स्लेवरी को इंट्रोड्यूस कर दिया, दोबारा से लागू कर दिया। क्यों, क्योंकि जिससे क्या होगा कि फिर से जो है वेल्दियर पीपल स्लेव को खरीद सके और अपने अपने प्लांटेशन लैंड पर उन्हें भेज सके, जिसके कारण वे लैंड कर सके मतलब कि कल्टीवेट कर सके, जिससे डिमांड्स होगी प्रोडक्ट की डिमांड होगी, तो इकोनॉमिक कंडीशन मेरा इम्प्रूव करेगा, इकोनॉमी इम्प्रूव करेगा, तो मेरा जो है देश भी इम्प्रूव करेगा, कंट्री का भी डेवलपमेंट होगा। इसीलिए उन्होंने आकर दोबारा से री इंट्रोड्यूस कर दिया था स्लेवरी को। स्लेवरी वॉज फाइनली अबॉलिश्ड इन फ्रांस इन फ्रेंच कॉलोनीज 1848।
अब देखिए, स्लेवरी जो गुलामी प्रथा होती है वो कब खत्म होती है, तो 1848 में फाइनली जो है स्लेवरी जो है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, कब स्लेवरी जो पहले से चली आती रहती है, जैकोबिन गवर्नमेंट आती है जब रूल में, तो फिर वहाँ मतलब तो आकर इस स्लेवरी प्रथा को खत्म कर देती है। कब खत्म करती है? 1794 में खत्म करती। स्लेव ट्रेड हुआ करता था, स्लेव को जो है मतलब गुलामों को खरीद बेच किया जाता था, एक ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड सिस्टम बन गया था। फाइनली 1848 में जो है मेरा जो स्लेवरी होता है वो ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हमारे इस चैप्टर का नोट्स का PDF आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप एक बार जाकर उसे ज़रूर चेक करें।